हेलो फ्रेंड्स, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिखाया गया लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम बनाएंगे नींबू पानी पाउडर। इसके लिए हमने 250 ग्राम नींबू लिए हैं और ये चीनी है। हमने इसे धो के सूखा लिया है, पानी बिल्कुल नहीं है। अब हम इसे कट करेंगे। इस तरह से सारे नींबू को कट कर लेंगे। अब हम एक बाउल में छन्नी रखेंगे और इस तरह से नींबू निचोड़ेंगे और इसका पानी निकाल लेंगे। ऐसे ही सारे नींबू में से हम रस निकाल के ये देखिए, हमने सारे नींबू में से पानी निकाल लिया है। अब हम छोटा बाउल लेंगे और इसमें हम नींबू का रस फिर से छान लेंगे ताकि भी एक भी इसमें नहीं रहना चाहिए। अब हम हमारा ये बाउल इतना सा कम भरा है तो हम इतना ही नाप के चीनी लेंगे। ये देखिए, इतने इतने हम 5 बाउल चीनी के डालेंगे। चार और ये 5। अब हम इसे मिक्स करेंगे, चीनी और नींबू का रस। अच्छे से इसे मिक्स करना है। ये देखिए, हमारा चीनी और नींबू का रस मिक्स हो गया है। अब हम इसे ऐसे फैला के इसे 7 से 8 दिन ऐसे ही रख देंगे, फिर इसे चेक करेंगे। ये पूरा हमारा थिक हो जाएगा। मैं आपको 5 दिन के बाद दिखाऊंगी ये कैसा हुआ है। ये देखिए, इसे 4 दिन हुए हैं, ये पूरा जम गया है। अब हम इसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके फिर से इसे ये देखिए, वापस हमने इसे ऐसे फैला दिया है। इसे धूप में नहीं रखना, घर में ही सुखाना है। अभी हम इसे 2-3 दिन के बाद फिर से चेक करेंगे और फिर से इसे पलटाएंगे। ऐसे 2-3 बार हम करते रहेंगे, पूरे 7 दिन तो लगेंगे ही। ये देखिए, हमने 7 से 8 दिन इसे सुखाया है ऐसे ही घर में। ये अब सूख गया है। अब हम इसका पाउडर बनाएंगे। अब हम मिक्सर जार में ये डालेंगे और इसे ढक्कन लगा के ऐसे धीरे धीरे इसे चलाएंगे। ये देखिए, ऐसे हमें धीरे धीरे ही करना है ताकि पूरा पाउडर बन जाए, वरना ये चिपक जाएगा। अब हम इसे बाउल में निकालेंगे। ये देखिए, हमारा
पाउडर रेडी है। इसी तरह पूरा ये कर लेंगे। ये देखिए हमारा पाउडर रेडी है। ये आप कहीं पे भी बाहर जाएं, ये देखिए बिल्कुल बारीक। ये आप कहीं पे बाहर जाएं तो इसे साथ भी ले जा सकते हैं और कहीं पे भी पानी में डाल के इसे पी सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है। और हमारा ये 2 बाउल भर के पाउडर बना है। अब हमने एक गिलास लिया है और इसमें हम पानी डालेंगे और हमने ये पाउडर जो हमने बनाया है ये 2 चम्मच डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और ये हमारा नींबू पानी रेडी है। थोड़ा सा आइस डालेंगे। अब हम 1 गिलास में 2 चम्मच पाउडर डालेंगे। इससे हम क्या क्या बना सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ग्लूकोज लिया है, वो डालेंगे और हम पानी डालेंगे। इससे हमारा एनर्जी ड्रिंक्स हो जाएगा। ये हम पॉकेट में भी कहीं पे भी जाते हैं तो हम पर्स में भी साथ में ले जा सकते हैं। पाउडर में थोड़ा सा ग्लूकोज मिला के आप कहीं पे भी साथ में ले जा सकते हैं। ये हमने आइस क्यूब डाला और थोड़ा सा नमक। अब हम नींबू शिकंजी बनाएंगे। इसके लिए हमने ये 2 चम्मच पाउडर डाला। ये हमने सब्जा के बीज भिगो के रखे हैं वो 1 चम्मच और ये हमने शिकंजी वाला गोंद लिया है। हम इसे शिकंजी का गोंद बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता, वो हम शिकंजी में डालते हैं। और 1 क्यूब आइस का और नमक और हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये हमारी नींबू शिकंजी रेडी हो गई। अब हम चौथा ड्रिंक्स बनाएंगे। इसमें हम 2 चम्मच नींबू का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा पानी और आइस क्यूब, नमक और इसे मिक्स करेंगे। और ये मैंने घर पे ही सोडा बनाई है, वो हम इसमें डालेंगे। ये हमारा नींबू सोडा रेडी है। ये देखिए रेडी है हमारा नींबू पानी का पाउडर। और इसके साथ हमने इसमें से 4 टाइप्स के ड्रिंक्स बनाए हैं, वो भी रेडी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।